फिर एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि आपकी आपकी लाइफ में जो आपके रिश्ते हैं, लाइक पता चलता है कि ये जो साहब आए हैं ये आपके 6th क्लास के फ्रेंड थे, ये बिल्कुल आपके 5th क्लास के फ्रेंड थे, या ये आपके उस दौर में आपके हमसाए थे, आप बताते हैं कि ये मेरी बहन पैदा हुई थी तो इस वक्त ये मेरे हमसाए थे। तो इस तरह के लोग जब मिलते हैं तो वो मुझे बहुत उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि इतने पुराने रिश्ते भी जो है वो संभाले शुक्र जा है अल्लाह सकते का, हैं। शुक्र है तो अल्लाह सर वो आप हमें क्या कहेंगे कि हम अपने अंदर ऐसा क्या पैदा करें, क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे हमारे रिश्ते इतने लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, इतने अरसे तक हमारे रिश्ते इतने खूबसूरत रह जाए जैसे आपके देखें, पुराने पुराने रिश्ते रिश्ते। रिश्तों को बचाने के लिए आपको हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है, रिश्तों को निभाने के लिए उनकी तजदीद करनी पड़ती है, उनको बार बार याद करना पड़ता है, उनको दोहराना पड़ता है और उनको मिलते रहना पड़ता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो हैं प्रोफेसर बख्शी, हिंदुस्तान में हैं, तो मेरे दोस्त बन गए, वो अपना बहुत बड़े सर्जन हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जरी के वो प्रेसिडेंट रहे, तो वो हमारे दोस्त बन गए। फिर मैं गया वहाँ इंडिया में, जब वो थी सार्क की कॉन्फ्रेंस, तो मैं आई वॉज़ वन ऑफ़ द कीनोट स्पीकर, तो वो मेरे और भी दोस्त बन गए। अच्छा, अब मुझे ना रात को, अभी कोविड वगैरह हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो वो मुझे रात को फ़ोन करते हैं और जावेद उपा जी मैं जिंदा है गया, मैं ठीक है गए, तो तू भी ठीक है, बस जदों किसी की याद आवे तो फ़ोन कर लेना चाहिए है, तो बस मैंने तेरी याद आई सी तो मैं फ़ोन किया। मुझे उनकी बात ये बहुत अच्छी लगती है। तो उनका बेटा है तनवीर बख्शी, उसका नाम है, और बेगम है उनकी सबरीन, वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं। अब वो मेरे वो वहाँ दोस्त हैं, तो वो ना मुझे याद कराते रहते हैं, कहते हैं ओ जावेद, ओ यार तेनू मेरी तेरी याद आई सी तो मैं क्या तेनू मैं फ़ोन कर लूँगा। तो जिसकी याद आए उसे फ़ोन करते रहना चाहिए, उसे मिलते रहना चाहिए, खैर खैरियत पूछती रहनी चाहिए, तो उनसे ताल्लुक़ निभा कर, और जो है ना रिश्तों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और रिश्ते ही आपका सबसे बड़ा सरमाया होता है। देखें जिस वक्त आदमी, बिल्कुल मेरी उम्र ज़ाहिर अब ढल रही है आहिस्ता आहिस्ता, सबकी हमकी ढलनी है, तो मैं ये देखता हूँ कि एंड में आपके पास पैसे कितने थे, आपके पास गाड़ी कैसी थी, आप किस बड़े घर में रहते हैं, ये इतना अहमियत नहीं का बायस नहीं होता, जितनी अहमियत का ये बायस होता है कि आपके रिश्ते में कौन कौन से लोग हैं, आपके ताल्लुक में कितने लोग हैं, तो उनके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और दूसरी बात, ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके दोस्त हो ना उस आपका मिजाज उनसे बहुत मिलता हो, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे लोग हों। मैंने एक ना किसी ऑथर की एक पढ़ा, वो उसका गुरु रजनेश की किताब में लिखा हुआ था एक वाक्य, उसने कहा, जिक्र किया इस बात को, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, मैं उर्दू में कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट, कि वो मेरे दोस्त थे, वो वहाँ रहते थे, उनकी दाढ़ी हमेशा उलझी रहती थी, उनके कपड़े मैले रहते थे, वो पान खाते थे, पान की वजह से उनकी ये यहाँ से ना बाल जो हैं वो हमेशा रंगीन रहते, उनके मुंह से बदबू आती थी, और वो ना गंदे रहते थे बहुत ज़्यादा, बाज़ का गुफ्तगू भी अच्छी नहीं करते थे। आगे उन्होंने लिखा है, आई कुड नेवर लाइक हिम बट आई लव्ड हिम। मेरी बात समझे ना, आई कुड नेवर लाइक हिम बट आई ऑलवेज लव्ड हिम। तो ये दो डिफरेंट बातें हैं, एक बंदे में खूबियाँ होना, उन खूबियों की वजह से उसको अच्छा समझ के मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ, ये और बात है। एक आदमी मेरा है, वो मेरा है, वो जैसा भी है वो मेरा है, वो एज अ पैकेज मेरा है। रिश्ते इस तरह निभते हैं, रिश्ते इस बुनियाद पर नहीं निभते कि उसने मेरे से अच्छा सलूक किया मैं भी अच्छा सलूक करूँ, ये कारोबार हो गया ना, कि आपने मुझे बिजनेस दिया मैं भी आपको बिजनेस देता हूँ। रिश्ते इस बात पर निभते हैं कि उसके साथ मेरा रिश्ता, वो जैसा भी है मेरा है, अगर उसके अंदर गलती भी है तो कोई बात नहीं, मैं उस पर बहुत नाराज़ होता हूँ, तुम गलती है तुम्हारे अंदर, मैं उसको तो आर्गू भी करता हूँ, मगर आर्गू करते हुए भी मैं अपने मोहब्बत के उस दामन को उससे नहीं छोड़ता। तो ये निभाना, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र, आप जानती हैं इस बात को कि हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 के 6ठी जमात से 10वीं जमात तक के क्लास फेलोज, वो 36 लोग अभी तक हम इकट्ठे हैं, 40 की उसमें कुछ बेचारे, अच्छा, और 36 इसलिए हो गए कि वो हमारा एक सेक्शन था सी सेक्शन, अब उसके साथ बी सेक्शन ए सेक्शन डी वो भी आ गए हैं, क्योंकि उसी स्कूल में तो उनको पता लगा तो वो भी सारे आ गए, तो कहते हैं भी मैं हूँ तो उसी क्लास का मगर मैं बी सेक्शन का हूँ। तो हम मिलते हैं जब इस्लामाबाद, मैंने अपने चैनल के ऊपर भी उसकी बहुत से चले, और वहाँ हमने ये कहा है कि एक दूसरे को, वहाँ वो एक ब्रिगेडियर साहब हैं और एक पत्नी क्या साहब हैं, तो हम कहते हैं लेकिन बुलाना निक नेम से है, माजे माजे डबल डेंजरस। तो ये सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ बताया और मुझे बहुत मज़ा आया है, और इंशाल्लाह हमें एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे ऐसे। और ज़िंदगी मिली है एक मर्तबा, एक मर्तबा, और ये जो एक सांस है ना, ये मुकम्मल ज़िंदगी है। अब इस एक सांस के अंदर ही सारे दुख, सारे सुख, सारी अजियतें, सारे प्लेजर, सारा सुकून, सारा चैन, सारा ईमान, सारी बेईमानी, वो सारी इसी सांस के अंदर ही हमने गुजारनी है।
तो एक जिंदगी सांसों का इनाम है, तो हर सांस के अंदर जिंदगी भरपूर तरीके से हमारे अंदर अब्जॉर्ब हो और हम उसको कंज्यूम करें। ये हमने कंज्यूम किया जिंदगी को, बस ये हमारी जिंदगी अच्छी गुजर गई, अब अगला साल आएगा। देखो हम इतने कमजोर हैं कि हम सांसों में जिंदगी को नहीं डिवाइड, चलो हम दिनों में डिवाइड कर लें कि ये मेरा दिन जो है ना जबरदस्त गुजरा, आज के दिन मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, बड़ा अच्छा मेरा, रिश्ते भी निभाए, सेहत का भी ख्याल रखा, दोस्तों का भी ख्याल रखा, इल्म भी हासिल किया, ठीक है, डिवाइन के साथ भी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, आज का दिन गुजर गया, एक सांस ठीक, अगले कदम रख लें। इस तरह करते करते हमारा जाने का टाइम आ जाएगा, और जब जाने का टाइम आएगा तो क्या अच्छा हो कि हम कहें थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, थैंक यू। इसी का नाम ईमान की मौत है, अवेयरनेस की मौत का नाम ईमान की मौत है। आप जानते हुए जाने, जहर जब आप जान जब पता है कि आप जा रहे हैं तो कैसे आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन के साथ नहीं होगा स्ट्रॉन्ग, और तो आप इस तरह करके जाएं, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी गुड, ओके सी यू, तो इस तरह करके दुनिया से जाएं, बस इसी का नाम ईमान की ज़िंदगी है और इसी का नाम जो है एक अच्छी ज़िंदगी है। थैंक यू, रोने ना लग जाना। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।